हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने इनवॉइसेस पे राउंड ऑफ का ऑप्शन को इनेबल करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं AKS Tutorial Point। राउंड ऑफ का ऑप्शन कब अप्लाई होता है, तो ये देखिए, जैसे कि ये हमारा सेल्स इनवॉइस है, जैसे कि हम सेल्स इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स इनवॉइस अगर आपको कैसे जनरेट करना है उसका भी अगर वीडियो चाहिए, जो लिंक है इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो सेल्स इनवॉइस जैसे कि ये हम जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारा बैलेंस आ रहा है आफ्टर GST, ये देखिए आपका जो बैलेंस आ रहा है 141.60 रुपीज़, ठीक है। कि जो हमारा वैल्यू है 141.60 पैसे, तो जो पैसे हैं उसको हम राउंड ऑफ में हम लोग दिखाएंगे। तो राउंड ऑफ का जो ऑप्शन है वो कैसे इनेबल किया जाए, तो उसके लिए चलिए इसको बैक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे बैक कीजिए, अब यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रांजेक्शन्स में क्लिक करना है। ट्रांजेक्शन्स में क्लिक करने के बाद आपको टैक्सेस डिस्काउंट एंड टोटल पे देखना है। आपको यहाँ पे राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट इस पे इनेबल कर देना है। और देखिए यहाँ पे नियरेस्ट टू यहाँ पे आप दे दीजिए और जो वैल्यू रहेगा ये 1 दे दीजिए, जैसे कि आपका 1 रुपीज़ का अंदर में ही ये राउंड ऑफ करेगा। तो अभी चलिए हम इसको इनेबल करके बैक हो जाते हैं। बैक होते ही फिर हम अपने सेल्स इनवॉइस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब सेल्स इनवॉइस पे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं ये राउंड ऑफ का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इस पर टिक कर देना है। जैसे कि इस पर मैं टिक कर देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे टिक करते हैं तो देखिए 0.40 पैसे यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि हमारा जो वैल्यू आ गया है 142 रुपीज़। तो ऐसे करके आप अपना राउंड ऑफ का जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर सकते हैं और इसको सेव पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पार्टी को भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हम शेयर से इमेज में हम क्लिक करते हैं तो हमारा वैल्यू है यहाँ पे, आप राउंड ऑफ का ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये राउंड ऑफ हो चुका है 0.40 पैसे और राउंड ऑफ होके, और जो बैलेंस आ गया है 142 रुपीज़। तो हमारा जो बैलेंस था 141.60, यहाँ पे 0.40 पैसे ऐड होके यहाँ पे ये अमाउंट आ गया है, ठीक है। ऐसे करके आप अपना इनवॉइसेस पे राउंड ऑफ का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।